बैनी सिंबो फू गहाम। बड़ो लैंड आओ थानाए गासे बो बिदा फंबाए आरोपी बिना नावा बै खोलो खुलू मबाए आचा खालामा नंथा मनहा बैबो मोजा मैं सबसे पहले आप सबकी क्षमा मांगता हूं क्योंकि मुझे आने में विलंब हुआ। मैं सिक्किम में था लेकिन वहां से निकलने में देर हो गई और उसके कारण आपको काफी इंतजार करना पड़ा। मैं इसके लिए आप सबकी क्षमा चाहता हूं लेकिन मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि मुझे इतनी देरी नहीं हुई है कि जिसके कारण अब आपको विकास के लिए इंतजार करना पड़े। उतनी देर नहीं हुई है अब आपको अपने हकों के लिए कोई लड़ाई लड़नी पड़े। मैं आया हूं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के यहां के लोगों की भलाई करने के लिए। मैं आया हूं आपके बीच में आपके पास जो शक्ति है सामर्थ्य है आपके पास जो सपने हैं आप जो नौजवान हैं उन सबको एक अवसर मिले और वो विकास की नई ऊंचाइयों को पार करे। आपके सपनों को संजोने के लिए मैं अपने आप को जोड़ने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों आज मैं आपके बीच में एक ऐसे समय आया हूं जब यहां पर एकता का सद्भावना का एक नया माहौल पैदा हुआ है। यहां के राजनीतिक गुट भी अपने वाद विवादों को पीछे रख करके इस धरती के विकास के लिए यहां के लोगों की भलाई के लिए सब एक साथ आ रहे हैं और मैं इसके लिए यहां के नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देता हूं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और जो लोग जुड़ रहे हैं उनका मैं चहे दिल से स्वागत करता हूं सम्मान करता हूं। कुछ दिन पहले हगरमा जी कंपा जी मेरे निवास स्थान पर आए थे। दिल खोल करके बातें हुई थी। मुझे उनसे मिलकर के यहां की समस्याओं को समझने का अवसर मिला था और तभी तो आज उन्होंने कहा कि मोदी जी जो देना है ना दिल खोल करके देना।
क्योंकि बातें भी तो दिल खोल करके हुई थी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अब इस दिल में आप ही समा गए हैं, और इसलिए ये दिल भी खुल चुका है, हाथ भी खुल चुके हैं। बारह बारह पंद्रह पंद्रह साल से जो वादे आपको किए गए थे, उन वादों का भी निपटारा नहीं हुआ। मैं ये तो मान सकता हूं कुछ समय लग सकता है, लेकिन आप हर बार वादे करें और फिर वादों को भुला दें, फिर नए वादे करें, तब जाकर के ये गुस्सा प्रकट होने लगता है। ये आपके साथ जो वादा खिलाफी हुई है ना, उससे गुस्से का ये दर्शन है, गुस्से का दर्शन है। ये आपकी नाराजगी का प्रदर्शन है कि आपके साथ कैसा धोखा किया गया। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको इतना ही कहने आया हूं कि जो बात मैं कर रहा हूं, इसको पूरा करने के लिए जी जान से जुड़ जाता हूं, जी जान से खप जाता हूं। मैं हैरान हूं, एक पार्टी जिसने यहां 15 साल राज किया, ये आसाम प्रदेश जिसने 10 साल के देश को प्रधानमंत्री दिया, 15 साल कांग्रेस ने लगातार सरकार चलाई, वैसे तो पिछले 60 साल से वही सरकारें चलाते रहे, लेकिन अगर 15 साल उनकी सरकार, 10 साल असम के ही प्रधानमंत्री, मैं तो सोच रहा था कि असम में कोई समस्या हो ही नहीं सकती, असम में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है, असम में कोई सवाल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 10 साल यहां से प्रधानमंत्री रहे हो, 15 साल लगातार एक मुख्यमंत्री सरकार चला रहे हो, फिर तो समस्याओं का समाधान हो गया होना चाहिए। लेकिन जिन्होंने अपने काम का हिसाब देना चाहिए, वो सवाल पूछ रहे हैं। तो आपने 15 साल किया क्या? 10 साल प्रधानमंत्री ने क्या किया? और इसलिए भाइयों बहनों, जो 15 साल तक कुछ कर नहीं पाए, 10 साल जिस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया, उस प्रदेश को आज अपनी समस्याओं की गिनती करनी पड़े, ये अपना खुद का ही विफलता का वो दस्तावेज है और कुछ नहीं है। ये खुद को स्वीकार करना पड़ रहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री, उनका अपना असम का प्रधानमंत्री यहीं से चुन करके मनमोहन सिंह जी को भेजा था, और फिर भी इतनी बड़ी लंबी लिस्ट है आपकी, काम बाकी रहे। भाइयों बहनों, वो 15 साल में कुछ नहीं कर पाए, और मुझसे अपेक्षा करते हैं 15 महीने में मैं सब कर दूं। मुझे बताइए भैया, ये मेरे साथ न्याय हो रहा है क्या? न्याय हो रहा है क्या? ये आरोप ईमानदारी है क्या? ये आरोप झूठे है कि नहीं है? ये आप लोगों को गलतफहमी करने के लिए है कि नहीं है?
आप लोगों को गुमराह करने के लिए है कि नहीं है, लेकिन मेरा आप पर भरोसा है, आप गुमराह होने वाले नहीं है। आपने उनके 15 साल देख लिए, आपने हमारे 15 महीने देख लिए, एक एक मिनट देश की भलाई के लिए हम काम कर रहे हैं भाई। यहां पर मेरे सामने कुछ बातें कुछ समय पहले रखी थी, आज मैं बड़े संतोष के साथ कहना चाहता हूं कि असम के कार्बी मिक्री ट्राइब को मैदानी इलाके में शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में और असम के बोडो काछारी ट्राइब को ट्राइब आंगलोंग और एनसी हिल ऑटोनोमस काउंसिल के इलाकों में शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में घोषित किए जाने का मुद्दा काफी समय से लंबित है। अब दोनों ही मसलों की रजिस्ट्रार सेंट्रल ऑफ इंडिया और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स द्वारा सिफारिश कर दी गई है। आने वाले कुछ समय में ये मामला कैबिनेट में अप्रूव हो जाएगा और उसके बाद पार्लियामेंट में जाकर के इसको पारित किया जाएगा। कई वर्षों से आपकी ये समस्या थी, मुझे बताइए समाधान निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। भाइयों बहनों, मुझे जब आपके नेता ने आकर के कहा कि मोदी जी ये समस्या लंबे अरसे से लटकी पड़ी है, आप कुछ कीजिए, और मैंने मुझे वो कह रहे थे कि आप आइए, मैंने कहा पहले करके आऊंगा बाद में आऊंगा। भाइयों बहनों, इस क्षेत्र के छात्रों को उच्च गुणवत्ता की तकनीकी शिक्षा पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से और इस प्रकार इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोकराझार को एक वर्ष की अवधि में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा। इस कार्य से यूनिवर्सिटी को और अधिक एकेडमिक तथा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी प्राप्त होगी। मेरे सामने एक मसला आया था एयरपोर्ट का, बहुत पहले एक एयरपोर्ट सेना के साथ मिलकर के काम कर रहा था, फिर वो सब बंद हो गया, अब राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जैसा ही जमीन का मसला पूरा हो जाएगा, रूपसी एयरपोर्ट को भारतीय वायुसेना और आम जनता के लिए संयुक्त उपयोग के लिए विकसित किया जाएगा। भाइयों बहनों, कंचनगंगा एक्सप्रेस ट्रेन के रूट को बराक वैली में स्थित सिलचर तक विस्तार किया जाएगा। और मैं आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द उस ट्रेन को आरंभ भी करने जा रहा हूं। एक और कठिनाई बताई कि हमारे लिए बजट में इतना आवंटन होता है लेकिन पता नहीं कहां जाता है, कहां जाता है? आपको मालूम है कहां जाता है पैसा? कहां जाता है? कहां जाता है? कहां जाता है?
कहां जाता है, ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जनता की पाई पाई जनता के पास जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? भाइयों बहनों, जो अब तक लूटा गया है अब लूटने का अवसर नहीं मिल रहा है, इसलिए ये लोग हम पर परेशान है। दिल्ली आजकल हिसाब मांगता है। पहले दिल्ली में एक डोनर मिनिस्ट्री बनी थी, अटल जी के समय शुरू हुआ, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए एक विशेष मंत्रालय बना गया। बाद में अटल जी की सरकार तो चली गई, बाद में इनकी सरकार बनी। वो सरकार में क्या क्या होता था, क्या क्या होता है, सब आपको मालूम है। हमने अब डोनर मिनिस्ट्री को एक ऐसा काम दिया है कि जिसके कारण यहां कुछ नेता लोग बड़े परेशान हैं। पहले क्या होता था, यहां के लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था, डोनर मिनिस्ट्री कहां है वो खोजना पड़ता था, सामान्य मानवी तो कभी वहां जा नहीं सकता था, शिकायत कोई पहुंचानी है तो पहुंच नहीं सकती थी, क्या चल रहा है, क्या सच है, क्या झूठ है, पता तक नहीं चलता था। रुपये तो आते थे लेकिन धरती पर कुछ नजर नहीं आता था। और राजीव गांधी सही कहते थे, वो कहते थे कि दिल्ली से एक रुपया निकलता है, गांव में जाते जाते 15 पैसे हो जाता है। ये रुपया कौन सा पंजा घिसता था भाई, ये रुपये का 15 पैसा कैसे हो जाता था? और इसलिए हमने तय किया कि डोनर मिनिस्ट्री, उसके अफसर महीने में एक बार नॉर्थ ईस्ट के उस राज्य में जाएंगे, पूरा सचिवालय दिल्ली से गुवाहाटी जाएगा, नॉर्थ ईस्ट के और राज्यों में जाएगा, एक दिन दो दिन पूरा समय वहां बैठेंगे। सरकार ने पैसे दिए, उसका क्या हुआ उसका हिसाब मांगेंगे, रुपये कहां जा रहे हैं उसकी पूछताछ करेंगे। और ये हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह की टीम लगातार कर रही है और उसके कारण यहां परेशानी हो रही है। मोदी हिसाब मांग रहा है और इसलिए आजकल फैशन हो गई है अपने काम का हिसाब नहीं देना, लेकिन हिसाब मांगे तो और ही आरोपों को लगाना शुरू कर देना। असम सरकार को हिसाब देना ही पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट की सभी सरकारों को हिसाब देना पड़ेगा। ये जनता का पैसा है, ये जनता के काम आना चाहिए, रुपया इधर उधर नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैं इन लोगों को बुरा लगता हूं, मैं अच्छा लगूं बुरा लगूं, इसके लिए मैं अपना समय बर्बाद नहीं करता हूं। मेरा देश अच्छा बने इसके लिए मैं समय खपाता हूं, इसके लिए काम कर रहा हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारे देश का भविष्य बदलना है तो मेरे पास 3-पॉइंट प्रोग्राम है, 3 सूत्री कार्यक्रम है। पहला डेवलपमेंट, दूसरा डेवलपमेंट, तीसरा डेवलपमेंट। सारी समस्याओं का समाधान विकास में ही है।
पिछले दिनों आपने देखा होगा दिल्ली में पुलिस की भर्ती हुई। हमने आग्रह रखा कि नॉर्थ ईस्ट के, असम के, नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों के नौजवानों को दिल्ली में पुलिस में भर्ती करना चाहिए। आज बहुत बड़ी मात्रा में यहां से नौजवानों को दिल्ली की रखवाली के लिए ले गया। एक बार जो बात कही उसको लागू करने के लिए जी जान से लगे रहते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। भाइयों बहनों, अगर विकास करना है तो इस इलाके को सबसे पहली जो जरूरत है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की है। चाहे रोड हो, चाहे रेल हो, चाहे वाटरवे हो, और इसलिए हमारी सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाई है। और इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत के पूर्वी इलाके को विकास की यात्रा की मुख्य धारा में जोड़ना है, रास्तों का नेटवर्क खड़ा करना है। और पिछले बजट आपने देखे होंगे, भूतकाल में कभी न आवंटन किया होगा उतने रुपए आजकल नॉर्थ ईस्ट में रोड और रेल के लिए ले हम लगा रहे हैं। आप विचार कीजिए, देश आजाद हुआ इतने साल हो गए। मैंने एक दिन हिसाब मांगा कि भाई बताइए, अब तो हिंदुस्तान में हर गांव में बिजली पहुंच गई होगी। तो मुझे हिसाब मिला, आजादी के 70 साल होने आ रहे हैं, 18,000 गांव ऐसे हैं जहां बिजली का खंभा भी नहीं लगा है। हमने बीड़ा उठाया, 15 अगस्त को लाल किले से हमने घोषणा की कि मेरी सरकार को मैं जी जान से काम करने के लिए दौड़ाऊंगा, जितना धन चाहिए वो दूंगा। लेकिन 1,000 दिन में 18,000 गांवों में बिजली पहुंचा के रहूंगा। आप में से किसी को भी इंटरेस्ट हो तो मोबाइल फोन पर आप इसका पूरा डिटेल देख सकते हैं। डेली डिटेल आता है, उसकी एक अलग वेबसाइट बनाई है, किस गांव में खंभा पहुंचा, किस गांव में तार पहुंचा, किस गांव में तार का कनेक्शन लग गया, डे टू डे हिसाब जनता के सामने रखा जाता है। और हर दिन कुछ न कुछ गांवों में बिजली शुरू हो गई है। आप कल्पना कर सकते हैं, 70 साल हो गए आजादी के, जिस गांव में बिजली आती होगी उस दिन पहली बार उनको आजादी क्या होती होगी उसका एहसास होता होगा भाई। और मैं तो कभी मीडिया के मित्रों को भी कहता हूं कि जैसे जैसे गांवों में बिजली पहुंचे उस गांव में जो उमंग और उत्साह है उसकी खबरें देश को दिखाओ, उनका आनंद कैसा है देश को दिखाओ। देश के अंदर हौसला बुलंद होगा, काम करने वालों का भी हौसला बुलंद होगा कि हां भाई हम सही काम कर रहे हैं। उस गांव में बिजली जाती है मतलब शिक्षा में सुधार होता है, जीवन व्यवस्था में सुधार होता है। और हमारा सपना है, आपके आशीर्वाद चाहिए, हमारा सपना है 2022 में जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, वो 75 साल देश कैसे मनाए, क्या करें। हमारा इरादा है 2022 तक सब दूर बिजली पहुंचे, इतना ही नहीं 2400 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, 24 घंटे बिजली आज नहीं मिल रही है।
और ये काम हमने बीड़ा उठाया है, 2022 तक ये काम करने का इरादा रखा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आजादी के 75 साल, देश की आजादी के लिए मर मिटने वालों की बातें हमें प्रेरणा देगी और ये काम हम करके रहेंगे। हमारा एक और सपना है, वो सपना इस देश का गरीब, आजादी के इतने साल हो गए, कई गरीब परिवार हैं जिसको अपना खुद का घर नहीं है। हर परिवार की एक इच्छा तो रहती है कि कम से कम खुद का घर हो। क्या लोगों का यह सपना पूरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, हमने ठान ली है कि 2022 में जब देश आजादी के 75 साल मनाता होगा, तब तक हिंदुस्तान में गरीब से गरीब व्यक्ति को भी खुद का रहने का घर हो, और घर भी ऐसा जिसमें बिजली भी हो, पानी भी आता हो, शौचालय भी हो और बच्चों के लिए नजदीक में स्कूल भी हो। भाइयों बहनों, विकास यही एक बात है। अब जब इतने करोड़ों करोड़ों मकान बनेंगे, कितने नौजवानों को रोजगार मिलेगा, कितने लोगों को काम मिलेगा, कितने काम के अवसर मिलेंगे। जब रास्ते बनेंगे, रास्तों का नेटवर्क बनेगा। सिर्फ रास्ते बनते हैं ऐसे नहीं, जब बनते हैं तब इतने लोगों को काम मिलता है, उनके लिए रोजी रोटी घर के सामने आके खड़ी हो जाती है। रेल का काम तेज गति से बढ़ रहा है, यहां पर ब्रॉडगेज बनाना एक सबसे बड़ा काम है। और जब तक ब्रॉडगेज का काम नहीं होता, हिंदुस्तान के और हिस्सों से प्रगति के साथ वो जुड़ नहीं पाते हैं। हमने इस पर बल दिया है, सबसे ज्यादा बजट आज सरकार इस पर लगा रही है। हमने तय किया था, हम गरीब से गरीब व्यक्ति का बैंक का खाता खोलेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की। लोगों को लगता था साहब जो काम 70 साल में नहीं हुआ, मोदी जी आप कैसे करोगे? मेरे देशवासियों, आज आपको बताते हुए मुझे खुशी होती है कि हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत इस देश में जिसके पास बैंक के खाते नहीं थे, 20 करोड़ लोगों के बैंक के खाते खोल दिए, 20 करोड़ लोगों के। और इतना ही नहीं भाइयों, खाते जब खोले तब हमने कहा था कि गरीब के पास पैसे होते नहीं है, एक भी पैसा नहीं होगा तो भी उसका बैंक का खाता खुलेगा। एक बार वो आर्थिक व्यवस्था की मुख्य धारा में आए तो सही, बैंक के दरवाजे में जाने की उसमें हिम्मत तो आ जाए, बैंक वालों से बैठ करके आंख में आंख मिला करके बात करने की ताकत तो आ जाए। 20 करोड़ लोगों के खाते खुल गए। हमने कहा था एक नया पैसा नहीं होगा तो भी खाता खुलेगा, लेकिन मुझे खुशी है कि जिनके पास पैसे नहीं है, हम मानते हैं, वो भी सोचते थे मुफ्त में नहीं करना है, कुछ तो देना चाहिए, बैंक में जमा करना चाहिए। भाइयों बहनों, इन लोगों ने करीब करीब 30,000 करोड़ रुपया जमा किया, 30,000 करोड़ रुपया जमा किया। यह ताकत है हमारे देश के सामान्य मानवीय की। इस ताकत को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरा एक ही इरादा है, ये बोडोलैंड हिंदुस्तान में और जगह पे जितना विकास हुआ है, उतना विकास यहां होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहां के लोगों के भी रास्ते मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? यहां के गरीबों को घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यहां की स्कूलों में शिक्षक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहां पर नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यही काम मुझे करना है भाइयों। इसी काम को करने के लिए मैं आपके आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और आज ये लाखों की तादाद में मैं ये जनसागर देख रहा हूं। मैंने आसाम में दौरे बहुत किए हैं, लोकसभा के चुनाव में भी आपने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया है, लेकिन ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा।
ऐसा माहौल मैंने कभी नहीं देखा। भाइयों बहनों, दूर सुदूर पहाड़ों में जंगलों में रहने वाले आप लोग ये जो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं ना, मुझे आपके लिए काम करने की ताकत मिलती है, ताकत मिलती है। आपके लिए दिन रात दौड़ने की मुझे प्रेरणा मिलती है और इसलिए ये आशीर्वाद आपके मुझे दौड़ाते हैं, मुझसे काम करवाते हैं और आपकी सेवा में मुझे खपा देते हैं। भाइयों बहनों, मेरी खुशी का विषय है कि हमें नए साथियों के साथ काम करने का अवसर मिला है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम मिलकर के यहां जितनी समस्याएं रुकी पड़ी है उन समस्याओं के समाधान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड लीडर ऑन फेसबुक। He has more than 31 million fans on his personal Narendra Modi page.